AIMIM leader Asaduddin Owaisi on Monday received the first dose of COVID-19 vaccine at a Hyderabad hospital. Owaisi urged eligible people to get vaccinated at the earliest. Alhamdulillah took the first dose of vaccine today. Vaccination not only helps protect oneself from COVID-19 but also reduces risk for all. I urge everyone eligible to schedule an appointment at the earliest and get themselves vaccinated. May Allah protect us from the pandemic, he tweeted. Aaj main alhamdulillah Covishield ka vaccine main aur hamare wife liye hain aur meri aap tamam se guzarish hai ki jo jisko vaccine lena hai un sab se meri guzarish hai appeal hai ki aap foran vaccine lijiye क्योंकि आपकी जान बचाना ज़रूरी है और साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि बड़ी अफसोस की बात है कि हमारे मुल्क में मुख्तलिफ रियासतों में बड़े बड़े शहरों में दोबारा कोविड के कोरोना के केसेस में इजाफा हो रहा है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जिनको वैक्सीनेशन लेना है वो फौरन जाकर अपने वैक्सीनेशन ले, अपनी सेहत का ख्याल रखें और ये ज़रूरी है क्योंकि अब दोबारा कई जगह मुकामात से मुझे मालूम हो रहा है कि केसेस बढ़ रहे हैं। आज सुबह में हमारे पार्टी के एक बहुत ही सीनियर रुकन जो हुसैन आलम हैदराबाद के रहने वाले थे अथर साहब, उनका भी कोविड से इंतकाल हो गया। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपना तहफ़ुज़ करिए। ये वैक्सीनेशन अवेलेबल है, किसी भी किस्म की अफवाहों पर ध्यान मत दीजिए या कोई उस तरह की बात करा, बिल्कुल गलत है। अल्लाह की तरफ से एक वैक्सीनेशन आई है और हमको भी ये बताया गया है कि अपनी जान की हिफाजत करें। इसलिए मेरी आपसे अपील है कि इस जो अफराद को वैक्सीनेशन ले सकते हैं उनको फौरन वैक्सीनेशन लेने की बहुत ज़रूरत है। ख़ास तौर से जो ज़ईफ बुज़ुर्ग हजरात हैं उनसे मेरी आदिबाना गुजारिश है कि वो फौरन इस वैक्सीन को लेकर अपनी जान की हिफाजत करें, इस बीमारी से बचे। ओवैसी, लोकसभा मेंबर फ्रॉम हैदराबाद, हैड रिसेंटली क्वेश्चन्ड द एफिकेसी ऑफ कोविशील्ड व्हाइल रेफरिंग टू सम यूरोपियन मीडिया रिपोर्ट्स दैट द ड्रग इज कॉजिंग ब्लड क्लॉट्स इन पीपल अबव 65। ही सजेस्टेड दैट द वैक्सीन डजंट वर्क ऑन पीपल हु आर बियॉन्ड 65।